गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो देखिए, आज हम लोग अपने रीजनिंग स्पेशल में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर में। टॉपिक वही है, बस नया टाइप पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले, कल हमने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, लेकिन आज हम लोग केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले हैं। तो इस टाइप के ऊपर कितने सवाल बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड। देखिए, लेफ्ट और राइट बोला मतलब क्या होगा, मेरा एडिशन होगा, लेकिन इंग्लिश वाले में लास्ट से निकलता है आंसर। तो राइट से कितना बोल रहा है ये राइट से 19वां बोल रहा है। कितना बोल रहा है ये राइट से 19वां बोल रहा है। चलिए, अब मुझको अब ये तो पता लग गया मुझको निकालना क्या है। अब इसने जो बोला वो कंडीशंस हम लोग लिख के लेते हैं। अब इसने जो बोला है हम लोग वो कंडीशंस लिख के लेते हैं। ओके, चलिए ओके, चलो देखो यहां पर। देखो क्या इसने क्या बोला है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब ए टू एम को एम टू ए लिखा जाए, बस मतलब यहां से क्या आएगा, देन एन टू जेड ही रहेगा। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, राइट से 19वां पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है मेरा, राइट से 19वां पूछ रहा है। ओके, राइट से 19वां पूछ रहा है। ये देखो, ये मेरा राइट से 19वां पूछ रहा है, मतलब वो यहां से 19वां पूछ रहा है, वो यहां से 19वां पूछ रहा है। ओके, यहां से 19वां, वो अगर यहां से 19वां पूछ रहा है तो यहां तक तो 13 ही है ना, वो यहां तक तो 13 ही है टोटल। मतलब वो ए से कितवा पूछ रहा है, वो ए से छठवा पूछ रहा है, वो ए से कितवा पूछ रहा है, वो ए से छठवा पूछ रहा है। ओके, वो ए से छठवा पूछ रहा है, समझ गए। ए से छठवा मेरा आंसर क्या होता है, ए से छठवा मेरा आंसर होता है एफ, एंड एफ इज बी माय राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर, देन विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम द राइट एंड। लेफ्ट और राइट है तो आंसर मेरा कहां से निकालना पड़ेगा, मुझको राइट से निकालना पड़ेगा। 16 प्लस 9 कितना होता है मेरा बताइए, 16 और 9 कितना होता है, 16 और 7 कितना होता है मेरा, 23 होता है, कितना होता है, 23 होता है। तो राइट से 23वें की बात कर रहा है ये क्या कर रहा है, राइट से 23वें की बात कर रहा है। ओके, ये राइट से 23वें की बात कर रहा है। तो ये क्या है मेरा, देखिए ये मेरा है एम टू ए, इसको रिवर्स में लिखा है, देन एन टू जेड। अब क्या बोल रहा है, ये राइट से 23वां, अगर ये राइट से 23वें की बात कर रहा है, वो अगर यहाँ से 23वें की बात कर रहा है, अगर यहाँ से 23वें की बात कर रहा है, तो 13 तक तो यहीं तक है वो, 13 तो यहीं तक है वो, मतलब वो यहाँ से कितने की बात कर रहा है, वो यहाँ से आगे 6 की बात कर रहा है, वो यहाँ से आगे 6 की बात कर रहा है, समझ गए, सॉरी वो यहाँ से आगे 10 की बात कर रहा है, वो यहाँ से आगे 10 की बात कर रहा है, 10 मतलब जे इज दी माय राइट आंसर। ए से 10वां मेरा क्या होता है, जे होता है, समझ गए, लेफ्ट से 10वां। चलिए समझ में आ गया, कोई इश्यू इसके अंदर। देखिए टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज पूरा मैंने आपको तोड़ तोड़ के सिखाया, बहुत ईजी है। ये टॉपिक खत्म होते हैं आपको सारी वीडियोस को मैं मर्ज करके एक आपको पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज एक ही बार में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन व्हिच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट एंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, क्या बोल रहा है ये, फोर्थ लेटर टू दी राइट ऑफ 13 फ्रॉम दी राइट एंड, राइट से राइट की बात कर रहा है ये, समझ गए, ये राइट से राइट की बात कर रहा है। तो मुझे कितना मिल जाएगा, राइट से राइट का मतलब क्या होता है, राइट से राइट का मतलब होता है माइनस, और माइनस क्या होगा यहाँ पर, 13 से होगा, तो राइट कितना मिल जाएगा, 13 - 4 मतलब 9 होता है मेरा, तो राइट से 9वां ढूंढना है मेरे को, तो मुझको राइट से 9वां ढूंढना है, समझ गए, मुझको राइट से 9वां ढूंढना है। यहाँ पर एम
A, it is N to Z, right से नौवा, क्या बोल रहा है मुझको, right से नौवा बोल रहा है, मतलब वो कहीं यहीं जाकर रुक जाएगा बीच में, मतलब वो कहीं यहीं जाकर रुक जाएगा बीच में, राइट से नौवा बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये Z से नौवे की बात कर रही है, ये Z से नौवे की बात कर रहा है, तो सपोज मैं अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं, मैं अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं, या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये मेरा A to M, इट इज N to Z, तो ये Z से छठवा बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये Z से छठवा बोल रहा है, ये Z से छठवा बोल रहा है, सॉरी Z से नौवा बोल रहा है, ये Z से नौवा बोल रहा है, जो मेरा Z से नौवा होगा मतलब 27 माइनस 9 कितना होता है मेरा 18 होता है, वो A से कितना रहेगा मेरा, वो A से 18 होगा, कि कितना होगा वो 18 होगा, समझ गए, A से कितना रहेगा मेरा वो 18 रहेगा, तो व्हाट इज द माय आंसर, R इज द माय करेक्ट आंसर, R इज द माय करेक्ट आंसर, समझ गए अल्फाबेटिकल सीरीज। आई होप कि इतना लेक्चर देखने के बाद में तो आपको कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए अभी, समझिए, क्योंकि मैंने इतना बेसिक से लेके आपको गया है, शॉर्ट शॉर्ट में पूरा टॉपिक सिखाया मैंने, और देखिए ये टॉपिक आपको भले आपको वीडियो छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, अल्फाबेटिकल सीरीज इतना पढ़ने के बाद में ना मुझसे, अभी आपको 60 कितना है 51 है ना मैक्सिमम, इसके अंदर मेरे अभी कितने क्वेश्चन बाकी मालूम है आपके, आपके बाकी है अभी अप्रोक्स इसके अंदर 66 क्वेश्चन, मतलब 51 और 16-17 क्वेश्चन, और वो 16-17 क्वेश्चन मतलब टोटल 66 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी कि उसके जो कंसेप्ट है वो मेरे ही लेक्चर में से फंसेंगे, आप उसके जो कंसेप्ट है वो मेरे ही लेक्चर में से फंसेंगे, लिख के ले लो, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो, If the first half is written in the reverse order, then which letter will be 11 to the right and 14 from the right hand? Right to right की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ये, right to right की बात कर रहा है, मतलब 14 minus 11 मतलब 3, right से तीसरा, देखो यहाँ पर ये right से तीसरे की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा कम ही लिखना है, बरोगे M to A then N to Z, right से तीसरे की बात कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये right से तीसरे की बात कर रहा है, मतलब वो यहाँ से तीसरे की बात कर रहा है, यहां से तीसरा मतलब इन शॉर्ट Z से तीसरा हुआ ना, क्या हुआ वो Z से तीसरा हुआ ना, मैं इसको रीअरेंज करके अगर लिखूं, देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको ध्यान से दिमाग में सोच ही लेना चाहिए कि मुझको A से 24वां निकालना है, कि मुझको A से 24वां निकालना है, समझ गए। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, राइट से तीसरा बोल रहा है ये, तो यो यहां से वो यहां से कितना बोलेगा, 24वां बोलेगा, कितना बोलेगा 27 माइनस 3 मतलब 24, 24 मतलब मेरा कितना होता है x होता है, ओके, देन x इज द माय राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर विल बी 7th टू द राइट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखिए अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है राइट और लेफ्ट में, तो लेफ्ट से आंसर निकालना होगा मुझको, लेफ्ट से कितना 17वां, 10 प्लस 7 17वां, देखिए यहां पर क्वेश्चन ज्यादा अलग बैठेगा ही नहीं, आपका पैटर्न वही होगा, अगर आपने देखो अगर आपने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का जो रिवर्स ऑर्डर दिया था दोनों, अगर उस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से किए तो ये सारे आपके लिए चिंदी मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। चलिए M to A, N to Z, ओके, देन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट से 17वां, वो लेफ्ट से 17वां बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है मेरा, लेफ्ट से 17वां बोल रहा है मुझको, लेफ्ट से 17 बोल रहा है, इसके बोलने का मतलब क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर इसके बोलने का मतलब क्या, वो लेफ्ट से 17 बोल रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ तक तो मेरा क्या है 13 ही है, यहाँ तक मेरा क्या है 13 ही है, तो यहाँ से वो कितने की बात कर रहा है, वो n से वो n से आगे 4 मतलब n से चौथे की बात कर रहा है, वो n से चौथे की बात कर रहा है, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हो, अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हो, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ओके, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, लेट सपोज अगर इसको रीअरेंज करके लिखूं, इसको मैं लिख दूं A टू M,
एन टू जेड, तो ये क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, ये अगर एन से चौथा बोल रहा है, ये अगर एन से चौथा बोल रहा है, यहाँ तक तो मेरा 13 ही है ना, यहाँ तक तो मेरा 13 ही है। मतलब वो इन शॉर्ट क्या बोल रहा है, वो ए से सत्रहवीं की बात कर रहा है, समझ गए? वो ए से किसकी बात कर रहा है, वो ए से 17 की बात कर रहा है। मतलब Q is the my right answer, वो ए से 17 की बात कर रहा है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। देखिए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट, एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, राइट और लेफ्ट बोला क्या होगा, लेफ्ट से मेरे को आंसर कितना निकालना होगा, 19वां निकालना होगा। 12 और 7 कितना होता है मेरा, 19 होता है। चलिए देखिए यहाँ पर, ओके, एम टू ए देन एन टू जेड, क्या बोल रहा है वो मुझको, बोल रहा है लेफ्ट से 19वां, क्या बोल रहा है वो, लेफ्ट से 19वां बोल रहा है वो मुझको। देखो यहाँ पर लेफ्ट से 19वां बोल रहा है वो, मतलब एन से कितवा होगा वो, एन से मेरा छठवां होगा। कितवा होगा? छठवां होगा, क्योंकि एम टू ए 13 तो यहीं तक होता है, 13 तो यहीं तक होता है मेरा। समझ गया? कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर एन से छठवीं की बात कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखता हूँ, ओके, चलिए मैं इसको लिखता हूँ ए टू एम एन टू जेड। ओके, चलो देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझको ये, अगर एन से छठवे की बात कर रहा है तो मतलब वो ए से कितवे की बात कर रहा है, वो ए से 19वें की बात कर रहा है। ओके, मतलब वो ए से 19वें की बात कर रहा है, इन शॉर्ट। समझ गए? ओके, वो ए से 19वें की बात कर रहा है। चलिए, वो ए से 19वें की बात कर रहा है, और 13 तक तो ये खुद ही है यहाँ पर, 13। ओके, चलो चलो देखो यहाँ पर, तो ए से 19वां मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा एस, देन एस इज दी माय राइट आंसर। देखो, कभी अगर आपको एन से निकालना पड़ जाए ना, तो उसको डायरेक्ट ए से घुमा दिया करो। देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या बोला था मेरा, लेफ्ट से 17 बोला था, यहाँ पे क्या बोला था मेरा, लेफ्ट से 17 बोला था मेरा, तो वो लेफ्ट से 17 मैंने कहाँ से निकाला, डायरेक्ट ए से निकाल लिया ना। अगर कभी आपको फर्स्ट हाफ लिखा हो और आपको आंसर लेफ्ट से निकालना, तो ध्यान से आप डायरेक्ट ए से 17 निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट उसका आंसर ए से निकालना। लेकिन ये आपको चीज ना याद रखनी पड़ेगी एज अ ट्रिक के रूप में, समझ गए? ये आपको एज अ ट्रिक के रूप में याद रखना पड़ेगा, या तो ये करना है, उससे अच्छा कंसेप्ट दिमाग में रखो। कंसेप्ट लगाना है मुश्किल से, उससे 2 से 3 सेकंड ज्यादा जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो कंसेप्ट ही अपने दिमाग में रखना, कंसेप्ट इज द की। समझे? कंसेप्ट की है आपका, कोई भी सवाल कर सकते हो आप लोग इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट एंड 22 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट टू लेफ्ट है, मतलब मेरा आंसर लेफ्ट से आएगा, 22 माइनस 13 मेरा कितना होता है बताइए, 9 होता है। 22 माइनस 13 मेरा कितना होता है, 9 होता है। मतलब मुझको लेफ्ट से 9वां निकालना है, मतलब मुझको लेफ्ट से नौवा निकालना है। तो एम टू ए एन टू जेड, लेफ्ट से नौवा, देखिए लेफ्ट से नौवा मतलब यहाँ से नौवा निकालना है मुझे। ओके, यहाँ से 9th वाला निकालना है। अब यहाँ से 9th निकालने, देखिए मुझे आंसर तभी मिल सकता है, या फिर मुझे उसका पोजिशन जेड से पता हो, या फिर ए से पता हो। अब मुझे पता है कि ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ मेरा 13 है। ओके, 13 है, मुझे ए से इसकी पोजिशन निकालनी है, तो मैं 13 + 1 - 9 करूंगा, मतलब 14 - 9 मैं यहाँ पे करूंगा। ओके, कोई दिक्कत? तो ये ए से कितना मिल जाएगा मेरे को, 14 - 9 मेरा कितना होता है, 5 होता है। ओके, तो 5 मेरा क्या होगा आंसर, इज दी माय राइट आंसर। समझ गए? कोई इशू यहाँ पे आपको? कोई इशू नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। देखिए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट टू लेफ्ट बोला है। ओके, 14 - 8 मेरा कितना होता है, 6 होता है। ओके, चलो तो लेफ्ट से मेरा आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 14 - 8 मतलब 6 मिलेगा मुझको। चलिए अब देखिए, यहाँ पे 6 निकालना है मुझको,
देखिए M2A N2Z, अभी क्या बोल रहा है मेरे को, ये मेरे को बोल रहा है लेफ्ट से छठवा, मतलब यहां से छठवा, जो यहां से छठवा होगा यार वो यहां से कितना होगा 14 माइनस 6 कितना होगा मेरा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आठवा, ए से आठवा मतलब मेरा कितवा रहेगा यहाँ पे आंसर एच, एच इज दी माई राइट आंसर, समझ गए? देखिए आज यहाँ पे आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का जो पैटर्न है वो खत्म होता है, और आप इसके बाद में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा आपके, मुश्किल से बहुत कम क्वेश्चन बचे होंगे आपके। अब देखिए अब इसके अंदर ना कौन से पैटर्न आपके बनेंगे, कौन से पैटर्न वाले सवाल इस टाइप के, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आपका रिवर्स में हो, यहाँ पे केवल चार टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे यहाँ पर। ओके चलिए देखिए एम टू ए, एक ही लाइन पे लिखता हूँ, देखिए एम टू ए एन टू जेड वाले में सिर्फ चार टाइप के सवाल बनेंगे आपके। जो पहला टाइप है आपका क्या होगा, उसके अंदर आपको राइट से 19वां निकालना होगा, मतलब जो 13 से ज्यादा हो। सेकंड में क्या होगा आपका, राइट से 9वां होगा। तीसरे में क्या होगा आपका, लेफ्ट से 19 होगा। और चौथे में क्या होगा आपका, लेफ्ट से 9वां होगा। समझ गए आप लोग? इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये सब के सब आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, देखो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये राइट से 19 बोल रहा है। राइट से 19 मतलब 13 तो यहीं पे मिल गया, मतलब वो ए से छठवे की बात कर रहा है, ए से छठवा मेरा एफ होता है, खत्म बात। इतना सिंपल क्वेश्चन अभी क्या ही मिले आपको, देखो यहाँ पर राइट से 9, राइट से 9वां मतलब वो जेड से 90 की बात कर रहा है, वो जेड से 90 की बात कर रहा है, तो जेड से 90 मतलब 27 माइनस 9 कितना होगा मेरा 18 होगा, मतलब वो आर की बात कर रहा है। दिमाग में सॉल्व करना सीख लो आप लोगों के। लेफ्ट से 19 की बात कर रहा है, 13 तो मेरा यही हो गया, मतलब वो यहाँ से एन से 6 की बात कर रहा है, मतलब वो डायरेक्ट ए से 19 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो डायरेक्ट ए से 19 की बात कर रहा है, वो मेरे ए से 19 मेरा क्या होता है, एस होता है। देन उसके बाद लेफ्ट से 9वां, जो मेरा लेफ्ट से 9वां होगा वो ए से कितवा होगा, 5वां होगा। ओके 9 5 14 होता है, मतलब वो ई की बात कर रहा है यहाँ पर, समझ गए? डायरेक्ट एक मिनट भी नहीं लगा मुझे, मैंने चारों के चारों सवाल लगा लिए, समझ गए? तो अपने माइंड को वैसा ट्रेन करो कि ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सिखा सको। जैसे देखिए मैं आपको अगर यहाँ पे एक नया पैटर्न भी दूंगा ना, आप लोग अभी ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पैटर्न वाले सवाल लगा सको, कि यही सीरीज में जो आपको लिखाओ आप लोग कैसे भी लगा सकते हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन लिखिए मेरा, ई से 12वां अक्षर, इसे 12वां अक्षर, ओके, विपरीत क्रम दाएं से 21वां, ओके, जो ई से 12 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, ई से 12 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, ओके, विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, तो दाएं 21वां क्या होगा, तो दाएं से 21वां क्या होगा, दाएं से 21वां क्या होगा, बताइए। ये नया पैटर्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आंसर आपका कैसे आएगा। आप लोग ये पढ़ने के बाद में ना दुनिया के किसी भी पैटर्न का सवाल लगा सकते हो, किसी भी पैटर्न का, समझ गए? देखो क्या लिखा हुआ है, ई से 12 अक्षर में क्या क्या विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब ए से लेकर डी तक तो वैसे ही लिखा हुआ है, ओके, ए से लेकर डी तक वैसे ही लिखा हुआ है। अब ई से 12 अक्षर देखो, चार तो मेरा यहीं पे हो गए। अब 12 अक्षर मतलब 16 तक मुझको जाना होगा, 16 मतलब मैंने कहां से कहां तक लिखा है, मैंने ई से लेके पी तक को मैंने उल्टा कर दिया, पी से लेके ई तक, ओके, ये मेरा कितना हो गया, 12 अक्षर हो गया, ओके, देन 12 अक्षर हो गया, देन बचता क्या मेरा पी क्यू ना, क्यू से लेके जेड तक ये कितना अक्षर है मेरा, ये मेरे हैं 10 लेटर, ओके, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, ये मुझको मिल गया मेरी सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर मुझको निकालना है दाएं से 21वां, मुझको कितना निकालना है, मुझको दाएं से 21वां निकालना है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 4 है, यहाँ पे मेरा 12 है, और यहाँ पे मेरा 10 है, मुझको दाएं से 21वां निकालना है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, मुझको दाएं से 21वां मतलब वो देखिए 10 और 12 22 तक तो टोटल मेरा यहीं पे हो गया, टोटल 22 मेरा यहीं पे हो गया, ओके, अभी 10 12 मेरा हो गया। अब 21वां निकालना है दाएं से, 21वां क्या इसके तुरंत पहले नहीं आएगा, 21वां क्या इसके तुरंत पहले नहीं आएगा, यहाँ पर 21वां क्या यहाँ पर इसके बिल्कुल पहले नहीं आएगा, तो पी से पहले मेरा क्या आता है,
पी से पहले मेरा क्या था, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ओ आएगा, तो इसका आंसर मेरा क्या है, ओ है, ओ इज दी माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, अभी अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो पढ़ेंगे अगला पैटर्न, जब सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, जब सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए आप लोग देखो, इसको एक टाइप से और कर सकते हो, इसने क्या पूछा यहाँ से, इसने पूछा इसका कि ये यहाँ से अगर 22वां है तो 10 तो यहीं तक हो गया इसका। देखो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको एक और दिखा देता हूँ, देखो अगर उसने यहाँ से 22वां, यहाँ से 21वां पूछा है, देखिए उसने यहाँ से 21वां पूछा है ना, यहाँ से उसने 21वां पूछा है, टोटल 10 तो यहीं तक हो गया, मतलब वो ई से आगे कितना पूछ रहा है, वो ई से आगे पूछ रहा है 11, वो ई से आगे कितना पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है। अगर मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो मुझको ए से क्या निकालना होगा, मुझको ए से आगे निकालना होगा 15वां, तो वो भी वो मेरा क्या होगा आंसर, ओ ही होगा। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, कुछ रहिए, लव यू ऑल।